दोस्तों हम मंदिर के पास आ गए, आप देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं अंदर और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं कि हनुमान जी किस प्रकार से लेटे हुए हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जब बाबा जी यहाँ की मान्यता क्या है? मानता है ये प्रभु, जो तुम मांगोगे हाँ आपका पूरा होगा। अच्छा, सबसे बड़ा मान्यता यही है, जो आप तमन्ना मांगोगे भगवान से हाँ तो आपका ही पूरा करेंगे, और अच्छा, आप जो कह दो आपको ही पूरा करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया हूँ, जो हनुमान जी हैं पथरी वाले हनुमान जी हैं, किस प्रकार से दिखते हैं। और बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों की मानता रहती है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो बाबू जी कुछ शब्द हमारे जो दर्शक उनको कुछ कहना चाहेंगे बोले। तो अच्छा बाबू जी, यहाँ पे कितने रोज लगभग कितने लोग आ जाते हैं? प्रभु जितने लोग आ गए, प्रभु शनिवार मंगलवार तो मेला रहता ही है। अच्छा अच्छा। रोज के दिन यहाँ मतलब आदमी आता रहता है। अच्छा। दिन भर मतलब लाइन नहीं टूटती दिन भर, और मतलब शनिवार मंगलवार तो मेला प्रभु अचक मेला रहता है। ये जो है प्रभु हर साल नया होता है, इसलिए जब बुड़ जाता है 5 महीने में खुलता है, तो इसको अगर बोरा से हम लोग धोते हैं तो प्रभु ये भी छूट जाता है। पर साल के सीजन में देख लो प्रभु ये छत जो है, ये छत को भगवान उगा ले गए थे, छाते गए थी पूरी छत, ये द्वारे रखती है आपको दिखा पहचान सर की देख लेना, वहाँ रखी बड़ी छत, यही छत है नहीं इस गाँव को बाहर रखे, इससे नहीं पूछ सकते हो आप। यही छत है, छत को उड़ा ले गया पानी और ले जाकर द्वारे रख दिया। अब फिर 12 साल या आषाढ़ के पहले पानी उस बार की छत भैया बांधी रही थी, इस बार 100 रुपये की छत बांधी है, देख लो पूरी ये छत, यही छत है चली गई। ये कोठारी सहित को ले गया था सर, वहाँ चलो दिखा नहीं दे प्रभु। चार एक साल पूरा घाम नहीं, सुबह हो रहा तो घाम इनके ऊपर आ जा रहा है, पूछ लो एक साल पूरा घाम नहीं हुआ। जो गंगा जी में मूर्त है भगवान वो और ये सेम सेम उनसे भी लंबाई में 3 फुट पड़े हैं प्रभु, उनको जाके देख लो और फिर इनको देखोगे तुम खुद ही जान जाओगे। तो सभी को राम राम, और राम जी हैं तो हनुमान न हो तो फिर कोई बात ही नहीं। और यहाँ पे आने के बाद परिक्रमा भी लगाई जाती, तो हमारे साथ कैमरामैन आप भी आओ, परिक्रमा भी कर लेते हैं। धीरे धीरे कर लो प्रभु, कर लो भैया, प्रभु कृपा सब के ऊपर बनी रहे। और ये हैं हमारे प्रभु। दोस्तों आप भी यहाँ पे आइए, और रही बात लोकेशन के बारे में तो मैं आपको फुल बता ही दिया हूँ, और भी ज़्यादा डिटेल के लिए यदि आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, यदि वहाँ पे आप न मिले तो मुझसे कमेंट करके आप बात कर सकते हैं। तो आपको फिर मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से दिखते हैं, और ये मंदिर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। देख लो प्रभु अंदर भी बाहर भी तुमको थोड़ा नजरिया दिखाएंगे, चलो। हाँ हाँ, जैसे नहीं देखोगे तो कैसे जान पाओगे। अब बाबा जी बाहर भी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देख लोगे तो फिर तुमको एहसास होगा, ये मन्नते वाले के आसों को चढ़ाई ये घंटा है। अच्छा, जय हो। पहाड़ देखो बना है ना, छत के बरोबर ये बना है प्रभु, छत के बरोबर। अच्छा, यही इस दरबार को यही रोकता है।
अच्छा अच्छा बोल्डर से बना है ये, हर साल काट देता है, देखो तासु ये काटिस ना तो भी बगली बगली हर साल काटता है, हर साल इसको मुंडना पड़ता है। अच्छा। ये बीच दरिया में आप खड़े हो, जमुना देखो कहाँ कौन कहाँ है, सीधा है आज का आला इधर चली जाती है पत्थर की वजह से, इधर पत्थर है उधर माटी है, तो काटत काटत वहाँ ले जाती है, सिर्फ एक जमुना है, एक जमुना है मगर जो है ये सब बुड़ जाता है, उस पार दिखता है ना टिल लाइट, ये सब बुड़ जाए, वो गांव दिखेगा ये गांव दिखेगा बस। अच्छा अच्छा नहीं सब जल बिहार है, अभी बीच दरियाओं वहाँ ही झंडा बरोबर पानी रहता है भैया, झंडा बरोबर पानी रहता है। अच्छा। वहाँ जहाँ ईटा की सड़क है वहाँ जमुना रहती है, ये तो समझ लो कितना नीचे है। सही है, चलो ठीक है, बाबा जी ने हमें यहाँ के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। वो आप भी आइएगा यहाँ पे, आकर के आप भी दर्शन कर लीजिएगा। हाँ हाँ प्रभु बुलाओ, प्रभु दरबार का विख्यात करो, प्रभु दुनिया जाने। हाँ बस यही है कि आप भी लोग आइए और यहाँ का लुत्फ लीजिए और प्रभु कृपा का प्रसाद पाइए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और नीचे लिखे हुए डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद है तो प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने पूरे जिला चित्रकूट वासियों को शेयर करना है। रही बात बाहरी यदि आप देख रहे हैं तो भी आप अपने दोस्त तक शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।